इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए उसकी सरहद में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ कर दी। दावा किया गया कि चीन की सेना ने ताइवान के बॉर्डर के करीब अपने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान भेज दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये पहली बार है जब चीन ने एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट भेजकर ताइवान को डराने की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि चीन के भेजे गए 103 लड़ाकू विमानों में 40 ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि हवाई घुसपैठ के बाद चीन के 9 युद्धपोत भी ताइवान की सरहद तक पहुंच गए। हालांकि ताइवान की सेना के किसी भी एक्शन से पहले ही चीन की सेना उसके इलाके से निकल गई। लेकिन ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई और उसे अपनी सरहद से दूर रहने की चेतावनी दे डाली। उधर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में हुआ एक विमान हादसा पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वहां खराब मौसम की वजह से उस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। और हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें झाड़ियों के बीच जमीन पर पड़े उस छोटे आकार वाले विमान के कई टुकड़े नजर आए, जबकि उसके आगे का हिस्सा तो पूरी तरह बर्बाद दिखा। रॉयटर्स के मुताबिक उस विमान ने ब्राजील के मनाउस शहर से बार्सिलोस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान वो रनवे पर फिसल गया और रनवे के करीब ही हादसे का शिकार हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक इस घटना में उस विमान के 2 क्रू मेंबर समेत उसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान में सवार यात्री पर्यटक थे जो बार्सिलोस में घूमने के लिए जा रहे थे। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दुर्गम पहाड़ियों में छिपे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। 13 सितंबर को आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ शुरू हुई थी और 6 दिन गुजरने के बाद भी जंगलों में छिपे आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। और आतंकियों को मार गिराने के लिए पहाड़ पर मौजूद उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर से बम दागने के अलावा आतंकियों पर ड्रोन से भी फायरिंग की गई। बीच बीच में फायरिंग हो रही है, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यही वो फॉरेस्ट रेंज है और बिल्कुल थोड़ी दूरी पर मैं हूँ जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है। सेना का दावा है कि आतंकियों के पास गोला बारूद खत्म हो चुका है, लेकिन ऊंचाई पर छिपे होने की वजह से वो बच रहे हैं। इसीलिए सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। ड्रोन की मदद से जंगल में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। आतंकियों के साथ चल रही इस मुठभेड़ में 3 बड़े अफसर और 1 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि सेना ने 2 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मददगारों को हिरासत में ले लिया। खबर है कि वो तीनों पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और किश्तवाड़ में युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी बनाने में जुटे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी साजिश नाकाम करते हुए उन तीनों को पकड़कर जेल भेज दिया। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार और चेचनिया के कमांडर रमजान कादिरव कोमा में हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। खबर यह भी है कि उन्हें इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात शिफ्ट किया जा सकता है। ये वही कादिरव हैं जिन्होंने यूक्रेन के मारियोपोल को जीतने के लिए खून की नदियां बहा दी थी। और आरोप है कि उनके इशारे पर उनके लड़कों ने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मारियोपोल से यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए कादिरव के लड़ाकों ने शहर पर इतने बम बरसाए थे कि पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया था। यही नहीं, वो जंग में यूक्रेन की सेना से लोहा लेने के लिए अपने बेटों तक को उतार चुके हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में बेगुनाहों को मारने वाले रमजान कादिरव भी खुद मरने वाले हैं। उसका यह भी दावा है कि वो लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि बीमारी की वजह से कादिरव पिछले कई दिनों से कोमा में है और उन्हें अच्छे इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि रूस ने कादिरव के बीमार होने की जानकारी से इनकार कर दिया।